केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत लैवेंडर के फूल की खेती के बारे में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री से प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड लेने वाले भारत भूषण ने लैवेंडर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों ने मक्के की पारंपरिक खेती छोड़ पहाड़ियों के ढलान पर खुशबूदार लैवेंडर के फूल की खेती शुरू की है, जो उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक फायदेमंद होने के साथ साथ बैंगनी क्रांति की भी शुरुआत है। केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत लैवेंडर के फूल की खेती करने वाले किसानों ने कहा, गैर पारंपरिक सुगंधित पौधों की खेती शुरू कर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। 2019 में सबसे पहली वर्कशॉप हमने तब की थी और भारत भूषण जी तभी भी आए थे, तो हमने ये देखा कि जो लैवेंडर के पेड़ हमारे पास लगा के गए, सैपलिंग लगा गए थे, उससे हमें बहुत अच्छे फूल मिले और अच्छा हमारा एक्सट्रैक्शन होकर के ऑयल भी मिला, जिससे हमने बहुत सारी एंड प्रोडक्ट्स बना ली हैं और वो आज हमारी एंड प्रोडक्ट्स टीरी लेक फेस्टिवल में भी जा रही हैं, तो तेल उनके ही पेड़ों से निकला हुआ है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि आज फिर भारत भूषण जी हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करके आज यहाँ आए हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं वो अगर अपना लेते हैं तो उनकी आय दुगनी नहीं होएगी, चौगुनी है, यही भारत भूषण जी ने भी खुद बताया। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।